क्या इमरान खान है, क्या जरदारी था, क्या नवाज शरीफ था, हमें किसी से लेना देना नहीं, हमें किस पे भरोसा है? अल्लाह पाक पे। बिल्कुल सही बात, इन्होंने कुछ नहीं देना हमें। तब्दीली का मतलब होता है किसी चीज़ को तब्दील कर देना, लेकिन यहाँ ये जुमला जो है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। यहाँ तब्दीली से मुराद सिर्फ तब्दीली नहीं है, बल्कि यहाँ पर तब्दीली से मुराद एक उम्मीद है। हर उस शख्स की उम्मीद जो चाहता है पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, चीज़ों के रेट कम हों, हर किसी को रोज़गार मिले ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये तब्दीली लोगों के लिए थी, तो हम लोग ऐसे बैठ के कुछ कहने से बेहतर है क्यों ना आवाम से पूछा जाए कि जो तब्दीली आई है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो अभी हम लोग थोड़ा घूमेंगे, साथ साथ लोगों के रिव्यू वगैरह भी लेंगे कि वो क्या कहते हैं, तो चलते हैं फिर। चलो फिर, वो जहाँजेब ने कहा था कि मुझे भी ले कर जाना साथ, तो उसको भी ले चलते हैं। फैजान तो वैसे हमारे साथ वैसे जा रहा है, उसने जाना नहीं था, लेकिन चलो फिर चलते हैं जब जा रहे हैं। तो अभी मेरे साथ है फैजान, मोहसिन, जहाँजेब और मैं। तो तब्दीली के तब्दीली आ रही है, तो तब्दीली तो आ गई है, क्या आप इस तब्दीली से खुश हैं या नहीं है? हम लोग मतलब राय वगैरह लेना चाह रहे हैं। ये तब्दीली तुम्हारे सामने ही है, तब्दीली कोई नज़र आ रही भी नहीं इसमें तो। हाँ जी, महंगाई ज़्यादा हो रही है। जी जी हाँ। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये तब्दीली सही है या नहीं है? अभी तक तो सही नहीं है। तो आगे क्या उम्मीद रखते हैं, आगे सही होगा कि नहीं होगा? अभी तक तो भाई मुश्किल लग रहा है। अच्छा हाँ, अभी तक तो भाई मुश्किल है ये काम। कोई मैं नई हुकूमत आई है इसके बारे में आप क्या, इन्होंने एक नारा लगाया था तब्दीली का, नए पाकिस्तान का, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं यार, अच्छा है, तब्दीली आई है, आएगी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, तब्दीली आएगी, उम्मीद रखते हैं, उम्मीद है, बिल्कुल आएगी, नया पाकिस्तान बन, बिल्कुल चोरों से तो बचे ना यार, आएगी उम्मीद है। ठीक है, मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप? जी। अच्छा, हम लोग ना सर्वे कर रहे हैं, जो तब्दीली का नारा लग रहा था काफ़ी देर से, तब्दीली आ रही है, तब्दीली तो आ गई है, तो क्या आप इस तब्दीली से मुतमईन हैं या नहीं है, क्या कहते हैं आप इसके बारे में, थोड़ी सी राय वगैरह दें? आपके सामने देख लें कितनी महंगाई हो गई है और उससे ज़्यादा। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ सही होगा? देखेंगे जी, आप देखेंगे, इतनी होगी तो आगे तो आगे दुआ करें, हम लोग भी दुआ करते हैं आपके, यही चाहते हैं ये कमी हो, तो आगे मतलब कि आप इस टाइम कुछ नहीं है, तो पिछली हुकूमत से कोई महंगाई तो नहीं थी। ये जो नई हुकूमत आई है, एक इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था नए पाकिस्तान का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप हुकूमत से मुतमईन है? तब्दीली आ गई है, आ गई है तब्दीली, तो आप इस क्या कहना चाहते हैं इस हुकूमत से? आप खुद ही देख रहे हो, मुतमईन है आप इस हुकूमत से? महंगाई कम हुई है, तब्दीली ला रहे थे ना, महंगाई पहले नहीं थी, अब आ गई तब्दीली, आ गई है। क्या इमरान खान है, क्या जरदारी था, क्या नवाज शरीफ था, हमें किसी से लेना देना नहीं, हमें किस पे भरोसा है? अल्लाह पाक पे। बिल्कुल सही बात, इन्होंने कुछ नहीं देना हमें, सही, रात दिन अल्लाह पाक देते हैं, जो खाना खाते हैं अल्लाह पाक ही देते हैं सर, हमें इस पे कोई भरोसा नहीं है। किस चीज़ की तब्दीली है? आटा देख लो, चीनी देख लो, इतनी महंगी, सब कुछ कुछ नहीं है, अल्लाह पाक देता सब कुछ, अल्लाह पाक को फॉलो करो और अल्लाह पाक देता सर को, ठीक है, जिंदगी मौत सर कुछ उसके हाथ में है। और इन्होंने क्या इमरान खान को वोट 300 बंदे के पीछे लग के मैंने वोट दिया, क्या दिया उसने? और कुछ नहीं देता ये, कुछ नहीं देता, चाहे सरदारी आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, कुछ भी नहीं देना किसी ने, सिर्फ अल्लाह पाक ने देना सब कुछ। ठीक है, मेहरबान। ओके, नया पाकिस्तान, जैसा कि आपने सुना था कि नया पाकिस्तान बन रहा है, तो क्या आप इस नए पाकिस्तान से खुश हैं? जो आप चाहते थे क्या इसमें वो है कि नहीं? नहीं यार, मेजर चेंजिंग तो कोई भी नहीं आई थी फिलहाल, लेकिन आगे का कोई पता नहीं। तो आप क्या कहते हो कि अभी ये जो तब्दीली आ रही है, तब्दीली आई है बल्कि, क्या ये सही है या नहीं सही? नहीं, इकोनॉमी तो ग्रोथ कर रही है। अच्छा, कर रही है? कर रही है। और आगे क्या सोचते हो आप? आगे अभी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो अभी 5 साल तो गुजारेंगे। मतलब आप कहते हो यार अभी ठीक है ये, और आगे भी ठीक चलेगा? हाँ, मतलब आप सेटिस्फाई हो? हाँ, मैं तो सेटिस्फाई। सही है,
چلیں ٹھیک ہے نا وہ نہیں کرنا بچہ پیدا لیکن اللہ کا حکم تھا میرا چوتھا بچہ ہو گیا مطلب یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس میں یہ جب اللہ کا حکم ہوگا نا تو اسی وقت ہی کام ہونا بندہ اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے سکتا وقت کا انتظار کوئی نہیں صبر نہیں ہے بے صبر ہو گیا نہیں آپ تبدیلی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہو تبدیلی اپنے ٹائم پہ ہی آئے اب ایک دن میں جن تو ہے نہیں عمران خان کے پاس ٹھیک ہے نا مجھے بھی پتا ہے میں بہت ٹائٹ ہو گیا ہوں میرے حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں پہلے میں گندم لیتا تھا اب میں آٹا لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے بعد حالات اچھے سے تو میں لے رہا تھا نا لیکن جو تبدیلی وہ لے رہا ہے نا ایک جو 30 سال سے حکمران جہاں بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فٹافٹ ان کو توڑنا پہلی دفعہ کسی بندے نے اس کو توڑا اب انسان کہیں جی یہ ارے ہو سکتا ہے ہم مطمئن الحمد للہ کوئی مسئلہ نہیں اور یہ جو قوم ہے نا ہم بھائی جان یہ 10 سال میں بھی صحیح ہو جائے تو بڑی بات ہے آپ کہتے ہیں یہ 90 دن میں تو وہ کہہ بیٹھا نا اب وہاں اسی پر ڈالیے کہ ہم 90 دن میں اس نے کہا تھا اس نے تو کہا تھا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے اچھا یار ہم لوگ نا پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا تبدیلی آ رہی تبدیلی آ رہی تبدیلی تو آ گئی ہے تو کیا آپ اس تبدیلی سے خوش ہو یا نہیں خوش سر ہم بالکل خوش نہیں ہیں اچھا پٹرول 80 سے 110 ہو گیا ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے بجٹ دن دن کا دن بڑھ گئے ہیں ہر چیز کی مہنگائی ہو رہی ہے اس نے کیا تبدیلی کی ہے ہو سکے تو اسے سیٹ سے اتاریں جلد سے جلد اتاریں یار ہم تو یہ نہیں کر سکتے لیکن عوام اگر ہو جائے عوام اتار سکتی ہے عوام چاہے اگر بٹھایا عوام نے ہے تو وہ بٹھا سکتی ہے عوام نیا پاکستان کا بھی کافی کہا تھا کہ نیا پاکستان بنا کے دیں گے جی جی کیا نیا پاکستان بنا سر کچھ بھی نہیں بنا اس طرح تو ملک بیٹھ جائے گا اگر عمران خان بیٹھا رہے گا غریب لوگ ختم ہو جائیں گے تبدیلی تو آئی ہے لیکن مہنگائی مطمئن ہیں آپ اس حکومت سے میں ابھی نہیں مطمئن نہیں مہنگائی بہت ہے ایک نعرہ لگایا تھا حکومت نے نئے پاکستان نہیں بنا پڑ نہیں بنا جی ابھی پچھلی حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے اوکے پچھلی حکومت کی مہنگائی چلنی چاہیے نا پوچھیں آپ بتائیں گے کچھ تھوڑا بہت کہ جو حکومت کے بارے میں کہ جو نیا پاکستان تھا کیا نیا پاکستان میں آپ کیا چاہتے تھے اور نئے پاکستان میں آپ کو کیا ملا سر جی اللہ پاک بہتری کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک ملکوں کی ہدایت دے اور عمران خان بھی انشاءاللہ جتنا بھی ہو رہا ہے آسانی اس سے کام ہو رہا ہے ڈیم بھر رہا ہے اتنے سال ہو گئے کالا باغ کا ڈیم نہیں بنا ٹھیک ہے مطمئن ہیں آپ اس حکومت میں مطمئن ہوں انشاءاللہ الحمدللہ صرف نا بندوں کا ایمان ہونا چاہیے ہر چیز قائم ہے بس اوکے ٹھیک ہے بھائی مہربانی اچھا تو یہ بھائی ادھر شاپنگ کر رہے تھے تو ان سے بھی ہم لوگ مشورہ لے رہے ہیں تھوڑا سا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ جو تبدیلی وغیرہ آئی ہے پہلے تو بڑا خوش ہو کے ووٹ دیا تھا ہم نے عمران خان کو بھائی سب نے فیملی کو فیملی کے بارے میں ووٹ دیا تھا سب کو کہ عمران خان آئے گا لیکن جب سے آئے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جو پہلے سے آتا تھا 100 روپے کا 90 آتا تھا 95 بھی آتا تھا 100 بھی آتا تھا سب ختم ہو گیا تھا کچھ گانا اب 60 آ رہا ہے پٹرول بھی بڑھ گیا پٹرول 70 کا تھا اور اب 5 چلا گیا 110 میں چلا گیا جو پیکج 200 روپے کا ہوتا تھا وہ 320 روپے کا ہو گیا بس یہی ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی کم ہو جائے بھائی اسٹوڈنٹ بڑا تنگ آیا ہوا ہے تبدیلی بالکل آئی ہے کاروبار بیٹھ گئے ہیں اب ہمارے سامنے ہی ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں ہمارے اور یہ تبدیلی آئی ہے ایسی تبدیلی کو کیا کرنا جب غریب روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں ہر جو بھوکے مر رہے ہیں اس تبدیلی کا کیا کرنا تو اب آپ آگے کیا امید رکھ رہے ہو کہ کچھ بہتر ہوگا عام کے نہیں ہوگا یہ تو اللہ پاک سے ہی ہے ہمیں توقع مطلب کہ اب ان سے توقع نہیں ہے ان سے کوئی توقع نہیں ہے 66 روپے بھی پیٹرول تھا تو اس نے کہا تھا میں اس سے بھی نیچے لاؤں گا وہی نا اب اس ٹائم سننے میں آ رہے 108 تک پہنچے گا 8 تک چلا گیا چلا گیا بس ڈروایا نہیں ہے میں نے نہیں ڈروایا ہاں تو بھائی یہ جو تبدیلی جیسے آپ نے سنا تھا کہ تبدیلی آ رہی ہے اور نیا پاکستان یہ دو چیزیں آپ نے سنی تھیں اس میں آپ نے جو سوچا تھا جو امیدیں تھیں کیا ویسا ہے کہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ سر دیکھیں ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے ایک وقت لگتا ہے ٹھیک ہے اب ہر بندے نے حکومت کی ہے اور پاکستان اس نوبت پر آیا ہوا ہے کہ پاکستان قرضہ لینے کے حق میں رہتا ہی ہے چونکہ ٹھیک ہے تو ایسا ایسا چینجنگ ہوتی ہے آپ کو نا کہ 3 سے 4 مہینوں میں ہی چینجنگ آ جائے گی آپ کی سوچ غلط ٹھیک ہے جب بچہ ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا چلنا بولنا بہت ٹائم لگتا ہے پھر ایک دفعہ وہ ایسی کڑی بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کو 5 سال دیں حکومت کو چینجنگ آئے گی ٹھیک ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ چینجنگ نہیں ہے وہ ان پڑھ لوگ میرے دیکھنے سے کیونکہ کافی ہم لوگوں نے دیکھا ہے جیسے سروے وغیرہ بھی کیا نا تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹائم دینا چاہیے ابھی آگے مطلب امیدیں اچھی ہیں کچھ لوگوں کو امیدیں نہیں ہیں کچھ کو ہیں سر ہمیں دیکھیں کہ ہمیں امیدیں ہیں اس سے ٹھیک ہے
चेंजिंग होगी, चेंजिंग में वक्त लगता है, टाइम लगता है। बिजनेसमैन हमेशा यही कहेगा कि चेंजिंग होगी इसमें, ठीक है। जब इसके 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप इसका निकाल सकते हैं रिजल्ट किसने क्या किया, लेकिन उस दौरान आप यही कहेंगे जो आज ये कह रहे हैं ना कि यार इसने तो बड़ी महंगाई कर दी है, तब वो यही नारा लगाएंगे कि यार सच में चेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बंदा जो है खान बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसकी हुकूमत जो है ज़हरी बात है अभी हमने कर्ज़ा लिया है, ठीक है, और थोड़ी महंगाई होगी तो ज़हरी बात है हम खाना पीना भी करेंगे, महंगाई हुई है हम और पहन रहे हैं। ग्राहक भी आते थे खूब, हाँ अभी अभी इतना वो कारोबार जब ईद का मौका भी आ रहा है इतना काम नहीं लग रहा है। चलो मैं दुआ कर सकते हैं, आप दुआ करें कि हमारी जो है ना, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह दूर भाई के हॉस्टल हैं इधर, इसके रूममेट्स हैं ना, थोड़ा सा रिव्यू वगैरह लेते हैं। क्या आप तब्दीली से खुश हो या नहीं हो, क्या कहते हो आप इसके बारे में? इसके बारे में ये कि हम 50-50 इसके बारे में कह सकते हैं कि कुछ हद तक सही भी काम हो रहे हैं और कुछ सही नहीं हो रहे काम। जो सही हो रहे हैं वो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स वो आगे फ्यूचर के अंदर हमें मिलेंगे, और जो नहीं हो रहे उनको उनके ऊपर काम करना चाहिए। इन्होंने जो ख़जाने में पड़ा था यूटिलाइज़ किया, उसको यूटिलाइज़ करने की वजह से पीछे इनको बैकअप कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से अब इनको कर्ज़ा लेना पड़ गया। डॉलर का रेट, हर चीज़ महंगाई उस वजह से आई है। ये इंशाल्लाह आगे कवर अप हो जाएगी, इसकी टेंशन नहीं है। इतना सेटिस्फाई हो रहे हैं हम इस चीज़ से, हम लोग ढूंढने क्या कहें यार, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए हम जो लोगों को। खान साहब ने हमें ये बात बताई थी जब बिजलियों के बिल ज़्यादा आने लग जाएँ, जब ये चीज़ें बढ़ जाएँ, जब टैक्स आ रहे तो समझो कि हुक्मरान चोर है। इन्हीं के बाद हम तो मानी इसी वजह से जो है ना, लोग जिन्होंने इनको वोट दिया था वो भी इनके मुखालिफ अक्सर हो चुके हैं कि इन्होंने जो कहा है वो करने की बजाय बल्कि उल्टा खुद वही ना तब्दीली का नाम देकर ना अवाम को झांसा दिया गया। मतलब कि आप इस तब्दीली से खुश नहीं हो तो देख लो, कोशिश एक उम्मीद है, एक सोच है, कि वो क्या कहते हैं उम्मीद कर सकता है। अभी पहले भी उम्मीद थी, अब आगे भी हमें उम्मीद है, हम दुआ कर सकते हैं। हुक्मरान आते हैं जो भी आता है, ये पंछी हैं उड़ते पंछी आते हैं, 5 साल के बाद चले, हमें दिलासे देते हैं अवाम को लॉलीपॉप देते हैं, अवाम को लॉलीपॉप दे के हमें चले जाते हैं। अवाम को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको यही ज़रूरत है कि चाहे जो मर्जी हुक्मरान आए लेकिन उसकी ज़रूरियात पूरी की जाएँ, उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी की जाएँ, जो मतलब कि सारा कुछ चाहे अच्छा चले, ये सारा कुछ ये होता है। तो जैसा कि आपने देखा मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्याल होते हैं, कुछ लोग नाउम्मीद हो चुके हैं और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, हम तो यही चाहते हैं। तो आप भी अपने ख्याल वगैरह कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आप क्या कहते हैं जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, और आगे आपकी क्या सोच है कि क्या हो सकता है। हर किसी के सोचने का नज़रिया मुख्तलिफ होता है, तो अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बुरा भला कहने लगते हो, इससे यह है कि अगर आप चाहते हो कि उसकी सोच बदले तो आप अपने अखलाक से बदलो, ना आगे उसको बुरा भला कहो। तो देखा जैसे कि आपने लास्ट वो दो लड़के जो एक ही हॉस्टल में रह रहे थे, एक ही रूम में रह रहे थे, उनका नज़रिया मुख्तलिफ था लेकिन वो आपस में फिर भी मिल के रह रहे थे। तो इसी तरह करना चाहिए, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम सब पाकिस्तानी हैं। बाकी जो मज़ीद हालात वगैरह हैं इस टाइम, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएँ। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हालात जैसे भी हों आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हिम्मत ना हारें। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। Love you.